Number 1. Let I is equal to integration of root of 1 plus sec x into dx. Integration of root of 1 plus sec x ka formula hai basic 1 upon cos x into dx. Right. अब इसमें क्या करूँगा मैं, बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस एक्स वन ज़ा कॉस एक्स प्लस वन वन ज़ा वन डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स. नेक्स्ट न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमेटर को मतलब होल रूट है ना, तो मैं क्या करूँगा इसमें न्यूमरेटर को अलग से एक रूट देता हूँ, डिनोमिनेटर को अलग से रूट देता हूँ इंटू डी एक्स. अभी इसके लिए फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा मुझे, जैसे कि वन प्लस कॉस ऑफ एनीथिंग रहेगा तो टू कॉस स्क्वायर एनीथिंग डिवाइड बाय टू, ये एक फार्मूला हो गया. सेकंड अभी आगे कॉस एक्स का भी कॉस ऑफ टू थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन का के फॉर्म में है फार्मूला, कॉस डबल एंगल फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो इसमें से ये भी फार्मूला अप्लाई होने वाला है, इसमें चारों में से कोई तो एक फार्मूला यूज़ में करूँगा, क्यों यूज़ करूँगा वो भी आपको डिटेल में बताऊँगा मैं. वेट, रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, तो वन प्लस बॉक्स के प्लेस में मैंने क्या लिखा है एक्स इधर, तो इधर का टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, सिंगल है ना एंगल इधर कॉस एक्स है, इसके इधर एक्स अपॉन टू आएगा, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू होल डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ रूट टू स्क्वायर है इधर रूट है कैंसल्ड, क्या होगा कॉस एक्स अपॉन टू होल डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर रूट टू कॉन्स्टेंट कॉस एक्स अपॉन टू होल डिवाइड बाय रूट ऑफ इंटू डी एक्स. अब रूट में कॉस है तो कॉस को सब्स्टिट्यूट करता हूँ टी, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, बट इधर टर्म वो नहीं है न्यूमरेटर में, कॉस एक्स बाई टू है तो मैं कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता टी, राइट. तो कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म में फॉर्मूला है अपने पास, क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, डबल एंगल था तो थीटा हुआ, इधर हाफ मतलब सिंगल एंगल है तो क्या होगा हाफ होगा, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इधर वन एंगल है ना वन एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टू, सिंगल एंगल है तो हाफ हो जाता है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू. अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बताइए किसको, साइन एक्स बाय टू को, तो जैसे मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट करने में कॉस एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू आएगा, देखते पुट सब्स्टिट्यूट साइन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू व्हाट टी, तो जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ ये टर्म को किसको साइन एक्स बाय टू टी वाले को विथ रिस्पेक्ट टू किससे एक्स से, तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स बाय टू का क्या होगा कॉस एक्स अपॉन टू, एंड वन सेकेंड वी डिफ्रेंशिएट एक्स अपॉन टू इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इधर डी एक्स कैसे है इधर डिवाइड में था ना इधर मल्टीपल किया मैंने, तो क्या होगा बोलिए कॉस एक्स अपॉन टू इन टू डिफ्रेंशिएट एक्स अपॉन टू, तो क्या होगा वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसको जाएगा एक्स को, इधर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या हो गया कॉस एक्स अपॉन टू इन ब्रैकेट वन अपॉन टू डिफ्रेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो वन बाय टू वन सा वन बाय टू, तो टू इधर डिवाइड में है तो इधर क्या जाएगा मल्टीपल में, इधर क्यों भेज रहा हूँ टू को, क्योंकि अपने को न्यूमरेटर में क्या चाहिए था कॉस एक्स बाय टू इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स बाय टू इंटू डी एक्स अपने को टर्म मिल गया है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इधर, तो मैं क्या करूँगा इधर राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो कॉस एक्स बाय टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, राइट, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इधर क्या रूट टू
ठीक है ना, आई था इक्वेशन नंबर स्टार फ्रॉम स्टार रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा टू डी टी डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है ना, साइन एक्स बाय टू का मैंने टी सब्स्टिट्यूट तो क्या होगा इधर टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो मैंने लिखा है टू रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ वन माइनस टू है ना, इसका भी स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर नहीं है तो हम लोग रूट और स्क्वायर दे सकते हैं ठीक है, बट जो भी रूट देंगे उसका ऑर्डर स्क्वायर मतलब टू ही होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट मैंने दिया डी टी राइट, मैंने लिखा है टू रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रूट टू इंटू टी का होल स्क्वायर बाय, बिकॉज दोनों का क्या पावर सेम है टू रूट टू, तो ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इधर साइड में फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको समझेगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वन नहीं लेता हूँ ट्वेल्थ के बेसिस पे क्या दिया है ए स्क्वायर दिया है, तो ये किसका फॉर्मूला बोलिए साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपको फॉर्मूला अभी इधर यूज़ करूँगा मैं, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, तो एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, तो क्या होगा बोलिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है रूट टू टी अपॉन ए प्लस सी, तो क्या आएगा बोलिए, और एक्स का मल्टीपल डिवाइड होता है मतलब फंक्शन का मल्टीपल डिवाइड होता है टी है, तो टी का मल्टीपल डिवाइड, टी का मल्टीपल क्या है रूट टू, तो रूट टू मैंने डिवाइड किया रूट टू कैंसल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट टू, टी को रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी का वैल्यू क्या बोलिए साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू, तो क्या आएगा साइन एक्स अपॉन टू प्लस सी, तो अपना ये प्रॉपर एक आंसर मिल गया किसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन प्लस सेक एक्स क्या होता है टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट टू साइन एक्स अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज प्लस सी राइट, ये फॉर्मूले से मैंने यूज़ करके सॉल्व किया। नहीं, थक गए, नर्वी हो गया।